सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, कैसे करूं, तो आइएगा आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक नॉर्मल तरीका लेकर आया हूँ। बिल्कुल ही आप फ्री में अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने कोई भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक नया तरीका लेकर आया हूँ। बिल्कुल एक न्यू ट्रिक है, ये ट्रिक से आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल और नॉलेजबल होने वाला है। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भाई की इस वीडियो को लाइक कर दो, उसके साथ साथ यहाँ पे वीडियो के नीचे एक लाल बला होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में एक बेल आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाता है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप चाहते हैं चलिए क्रेडिट कार्ड का पैसा मैं अपने अकाउंट में भेज लेता हूं, वो मुझे कैश आ जाएगा, तो आइए गाइस सिंपली आपको करना क्या है, अपने यहां पे पेटीएम को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास पेटीएम नहीं है तो आपको सबसे पहले पेटीएम अपने प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना है। पेटीएम को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है बैलेंस एंड हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, बैलेंस एंड हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक मिलेगा पेटीएम वैलेट बैलेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम वैलेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, पेटीएम वॉलेट पे एक मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है ऐड मनी टू वॉलेट, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। वॉलेट पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा निकालना है, जैसे कि अगर 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी पैसा आपको निकालना है वो आपको यहाँ पे डालना है। चलिए दोस्तों, मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड से मैं 5,000 रुपये निकालना चाहता हूँ, मैं 5,000 रुपये यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है ऑटोमेटिक और यहाँ पे ऐड, तो नीचे वाले पे आपको टिक कर देना है और ऐड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं 100% करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड का कार्ड नंबर पूरा फिलअप कर देना है। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड पे एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर आपको यहाँ पे डाल देना है, और उसके जस्ट पीछे आपको 3 अंक का CVV कोड होगा, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड पे क्लिक कर देना। दोस्तों, मैं अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स फिलअप कर दिया हूँ, पे पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पे पे क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पे एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो पे पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। OTP डालने के बाद पे पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। पे पे क्लिक करने के बाद फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा पैसा यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मनी ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीका से आने के बाद इतना कर लेना है। करने के बाद फाइनली आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस इन हिस्ट्री पे आपको यहाँ पे फिर से आना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वैलेट पे आ जाना है। वैलेट पे आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंड मनी फ्रॉम वैलेट टू बैंक, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जितना आप ऐड किए क्रेडिट कार्ड से वो आपको पेमेंट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, अपना IFSC कोड फिलअप कर लेना है, जिसके नाम से अकाउंट है अकाउंट का होल्डर नाम डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सारी चीज़ को फिलअप कर देता हूँ। IFSC कोड डाले उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफर में कोई भी चार्ज नहीं लगा है, यहाँ पे 0% चार्ज दिखा रहा है।
चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको फाइनली आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीका से आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाला टिप्स एंड ट्रिक या कोई भी नया नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिखा चुका हूँ। आप लोग इस तरीका से अपने पेटीएम के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बिल्कुल ही अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।